एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांशी गौतम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप अपने फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस पर किस तरीके से लगाएं जिससे कि आपको एक परफेक्ट फिनिश मिले। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरीके से लगाएं। सो गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मिलाप का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। तो आपको कोई भी बेस लगाने से पहले आपको अपने लिप्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर लिप बाम लगाने जा रही हूँ अपनी लिप्स पर। मैंने अपने लिप्स पे ये लिप बाम लगा दिया है जिससे कि मेरे जो लिप्स हैं फटेंगे नहीं, एकदम से स्मूथ रहेंगे। तो कोई भी बेस लगाने से पहले आपको इस तरीके से अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लेना है। एंड मैंने जैसे कि अपने फेस को वॉश कर लिया है, सो मेरा फेस एकदम से रेडी है मेकअप करने के लिए। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइज, आप जैसे अपने फेस पर कोई बेस लगाते हो, जैसे कि बीबी क्रीम हुआ, फाउंडेशन हुआ, सीसी क्रीम हुआ, तो जैसे कि आपका फेस एकदम से ग्लोई लगने लगता है, आप एकदम से सुंदर से लगने लगते हो, तो आपको ये सब लगाने से पहले आपको एक मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले कोई बेस लगाने से पहले आप अपने फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूँ यहाँ पर लैक्मे पीच मिल्क, और ये सॉफ्ट क्रीम है, 24 आवर मॉइस्चराइजर मिल्क क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये। एंड ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैंने इसको लिया है मीशो से, तो अगर आप इसको मीशो से लेना चाहते हो एंड बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएगा, अफोर्डेबल, और बाकी के आप जिससे भी लेना चाहते हो आप, तो आपको अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर भी ये मिल जाएगा। तो अगर आप इसको वहाँ से बाय करना चाहते हो तो वहाँ से भी बाय कर सकते हो। अगर मीशो से आपको और ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आपको वहाँ से भी ये वाला बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये वाला मॉइस्चराइजर गाइस आपकी स्किन को एकदम से ग्लोई शाइनी बनाता है एंड बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी रखता है आपकी स्किन को। तो सबसे पहले आपको अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो कोड रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इस मॉइस्चराइजर को लूँगी अपनी फिंगर पर इस तरीके से, एंड अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी इसको। कोई भी बेस लगाने से पहले आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी जो भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो भी हम अप्लाई करते हैं वो एकदम इवन होके आती है, कोई भी पैच या कैक नहीं दिखाता है। तो इससे पहले आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड आप अपने नेक पर एंड अपने ईयर पर भी इस तरीके से लगा सकते हो उसको, जैसे कि हमारे ईयर जो भी हमारा ओपन एरिया है वो एकदम से इवन दिखे, बिल्कुल क्लियर दिखे, जैसे हमारे फेस है उसी तरीके से हमारे बाकी के जो पार्ट हैं वो भी हमारे एकदम से क्लियरली दिखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। सो अभी चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन हमें किस तरीके से लगाना है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ लैक्मे परफेक्ट रेडियंस इंस्टेंट वाइटनिंग फाउंडेशन। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला लैक्मे का मैं फाउंडेशन यहाँ पे अभी यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको किस तरीके से करना है मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ये है फाउंडेशन, ये है स्पंज। तो आपको कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले आपको ये स्पंज लेना होता है। तो ये वाला जो स्पंज है गाइज, आप देख सकते हो कितना गंदा सा हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है अपनी मेकअप वीडियो में, उसके बाद मैंने इसको वॉश करके नहीं रखा था। जब भी मैं यूज़ करती हूँ उससे पहले मैं इसको वॉश करती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये गंदा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ में भी है। तो जब भी आप कोई फाउंडेशन या क्रीम वगैरह लगाओ और जब आप स्पंज का यूज़ करो तो आपको सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो आपको वॉश कैसे करना है, आपको एक बाउल लेना है इस तरीके से, बाउल में पानी लेना है, एंड इसको आप देख सकते हो ये इतना छोटू सा है, अभी मैं इसको इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। अगर आपने कोई भी नया ब्यूटी ब्लेंडर ख़रीदा है तो आपको सिर्फ इस तरीके से आपको डिप करना है एंड वो एकदम से बड़ा सा हो जाएगा। तो आप भी इसको देख सकते हो, अभी ये थोड़ा छोटा है, अभी ये इसको पानी में रखूँगी तो जो भी इसमें गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी, जो भी इसमें पहले से फाउंडेशन लगा हुआ होगा वो सारा इसमें पानी में धुल जाएगा। गाइस, अगर आप इस तरीके से डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करते हो इस वाले स्पंज को बिना धोए, तो जितने भी इस वाले स्पंज में बैक्टीरिया रहते हैं वो आपके फेस पे जाएंगे। और पहले इसको अपने फेस पे अप्लाई करने से अपने पहले इसको वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो गाइस आप देख सकते हो इसका साइज़ छोटा था, बट अभी इसका साइज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो करीब 2 मिनट आपको, 1 से 2 मिनट आपको इसमें पानी में रखना है,
जिससे कि इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और जिसमें पहले से जो फाउंडेशन लगा हुआ था वो भी इसमें से निकल जाएगा। एंड कभी भी आप अप्लाई करो इसको, कोई भी फेस वॉश से भी आप इसको वॉश कर सकते हो अगर ये आपने पहले से यूज़ किया हुआ है तो। डायरेक्टली कभी मत यूज़ कीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि मतलब जब भी मेकअप करते हैं डायरेक्टली लिया और स्पंज को इस तरीके से लगा लिया, एकदम फ्लॉलेस वेस नहीं मिलता है हमको। तो इसमें जितने भी एक्सेस फाउंडेशन पहले से लगा हुआ है वो सारा निकल जाएगा इस तरीके से। तो गाइज आप देख सकते हो इसका साइज कितना बड़ा हो चुका है, ये पहले कितना छोटा था एंड अभी इसका साइज भी बड़ा हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, मैंने इसका जो भी एक्सेस पानी था वो तो निकाल दिया एंड आपको अभी भी इसको इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, आपको एक टावल लेना है एंड टावल में आपको रखना है जिससे इसमें जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो इसमें निकल जाएगा टावल में। अभी गाइज आप देख सकते हो मैंने इसका जितना भी एक्सेस वाटर था वो सारा इस टावल में निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल बड़ा एंड एकदम सॉफ्ट सा हो गया है, ये वाला स्पंज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है एंड साइज भी इसका गाइज आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है हमारे फेस पे अप्लाई होने के लिए। सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन, तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है एंड स्पंज को किस तरीके से लगाना है। तो फाउंडेशन को मैं लूँगी इस तरीके से अपने फेस पे लगा लूँगी। तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है गाइस, अभी करते हैं स्पंज से इसको अप्लाई। तो आपको क्या करना है, ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि इस तरीके से आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, आपको डैब डैब करके इस तरीके से आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है इस फाउंडेशन को। बहुत ही स्मूथली आपके बेस जो है हमारा आएगा, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फेस पे ये लग जाएगा। आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है ड्रैग, बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, बहुत आराम आराम से आप इसको कर सकते हो और इजीली आपके फेस पे इस तरीके से अप्लाई भी हो जाएगा ये, बिकॉज इसको हमने अभी इसको वॉश भी कर लिया है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर आप इसको बिना वॉश किए हुए लगाओगे तो सारा जो फाउंडेशन होता है इस वाले स्पंज में आ जाएगा, जो कि आपके फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपके फेस को एकदम स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगा, एकदम से ग्लोई नहीं लगेगा आपका फेस, एकदम से मेकअप नहीं होगा आपके फेस पे। जितना भी फाउंडेशन है वो सारा इस वाले स्पंज में आ जाएगा अगर आप इसको वॉश नहीं करते हो। तो अभी आप देख सकते हो इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, बाकी जितना भी फाउंडेशन था वो सारा मेरे फेस पे ही अप्लाई हो रहा है। क्योंकि एंड आप कोशिश करो कि आप एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर अपने पास ज़रूर रखो। तो अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे जो बेस है, मैंने फाउंडेशन जो अप्लाई किया है गाइस, अच्छी तरीके से मेरे फेस पे लग चुका है। एंड अभी आपको क्या करना है, मैंने इस साइड से लगाया है, इस साइड में अभी फाउंडेशन लग चुका है एंड ये वाला जो साइज है, इस साइड वाला जो हिस्सा है अभी बिल्कुल एकदम से साफ है। तो क्या करना है आपको, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो फाउंडेशन रह जाता है वो यहाँ अपने बालों में लग जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, इस साइड से आपको इस तरीके से जो एक्सेस हमारा फाउंडेशन लगा हुआ है इस तरीके से बालों में से निकाल दीजिए, जिससे कि वो गंदा नहीं दिखेगा आपको, आपका फेस एंड आपके बालों का वाला जो हिस्सा है वो अलग सा नहीं दिखेगा। तो जितना भी हमने यहाँ फाउंडेशन लगाया है उसको इस तरीके से हटा लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, तो कितना मेरा फेस जो है एकदम से अलग सा लगने लग गया है अभी। तो फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, बट अभी आपको क्या करना है, आप जैसे कि आपने फाउंडेशन लगाया उसके बाद थोड़ा बहुत आपको बहुत ज़्यादा लगता है, बट मेकअप को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बाकी हैं अपने फेस पे। तो अभी हम क्या करते हैं, तो अभी गाइज हम जा रहे हैं कॉम्पैक्ट लगाने के लिए। तो कॉम्पैक्ट लगाने से पहले आपने देखा होगा कोई भी आप स्पंज यूज़ करते हो इस तरीके से पैड लेते हो वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसको भी आपको वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर वो होता है वो इस वाले स्पंज में इस तरीके से आ जाता है, तो उसको भी वॉश करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्लीन रहेगा तो आपका जो भी बेस है वो एकदम से स्मूथली एकदम फिनिश के साथ आएगा, तो एकदम से अच्छा भी दिखेगा, बहुत ज़्यादा पैची और कैकी सी नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले इसको इस तरीके से वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हो जितना भी एक्सेस वाटर मैं इसमें से निकाल दूंगी इसको, तो एक्सेस वाटर मैंने इसको निकाल दिया है। टावल लूंगी मैं, टावल में इसको इस तरीके से जो भी और भी इसमें पानी होगा उसको सारा निचोड़ दूंगी मैं इसमें से।
गाइज, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना अपने मेकअप में, तभी आपका जो बेस आएगा, जो आपका फेस है, एकदम से अच्छा सा दिखेगा। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कर लोगे तो आपका फेस का एकदम से मेकअप है वो अच्छा सा भी नहीं लगेगा, तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने फेस पे कॉम्पैक्ट लगाने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको वॉश कर लिया जैसे कि, तो अभी मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ इस कॉम्पैक्ट को। तो कॉम्पैक्ट भी ना एकदम से अच्छे से लग जाएगा अभी आपके फेस पे। इसको भी आपको गाइस ड्रैग नहीं करना है, आराम आराम से आपको इसको अपने फेस पे लगाना है। अगर आप ड्रैग करोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से लेना है कॉम्पैक्ट को और अपने आईज पे भी इस तरीके से लगा लेना है। एंड अभी आपको क्या करना है, अभी हम चलते हैं, मतलब मेरा जो फेस है आप देख सकते हो, मैंने और कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया, फाउंडेशन क्रीम लगाया एंड कॉम्पैक्ट लगाया। एंड मेरा फेस आप देख सकते हो एकदम से अच्छा सा लगने लग गया है। एंड अभी आप गाइस आप देख सकते हो सबसे मेन चीज़ रहती है लिपस्टिक, बट बाकी चीज़ें भी आप कर लोगे तो पूरा फेस आप देख सकते हो कितना अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अभी मैं आप यहाँ पे करने जा रही हूँ अपनी आईब्रोज को फिल। तो आईब्रोज को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं एक स्पूली लूँगी, तो ये जो हिस्सा होता है इसको स्पूली बोलते हैं, इस तरीके से, ये जो ब्रश जैसा है, इस तरीके से स्पूली की हेल्प से इस तरीके से ऐड भी कर लोगे। और हल्का सा आप यहाँ पे पाउडर सा लगाओगे तो वो भी आप देख सकते हो एकदम से फिनिश सा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाली आईब्रो मेरी ये वाली आईब्रो से थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, तो आपको स्पूली से थोड़ा सा कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो मैं इस तरीके से स्पूली की हेल्प से पहले जो भी मेरे हेयर हैं इनको सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मैंने बहुत ही कम फिल की हुई है अपनी आईब्रोज़ को। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से मेरी जो आईब्रोज़ है एकदम से फिल हो गई है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने लगा लिया है काजल। एंड अभी मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ, जिससे कि जितना भी मेरा फेस पे एक्सेस पाउडर लगा हुआ होगा मैं उसको इस तरीके से हटा लूँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं रखना है, आपको हल्के हाथ से इस तरीके से अपने फेस पे से जितना भी एक्सेस पाउडर लगाया था हमने उसको हटा लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं करना है, स्मूथली आपको जेंटली अपने फेस से इस तरीके से। तो गाइज मैंने ये कर लिया। एंड अभी मैं लगाने जा रही हूँ ये वाला छोटा सा लिपस्टिक। तो गाइज मैंने पूरा मेकअप कर लिया है अपने फेस पे, आप देख सकते हो आई शेडो वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिया है एंड लिपस्टिक भी मैंने लगा ली है एंड अपने हेयर भी ओपन कर लिया है। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा जो बेस है एकदम से कितना अच्छा लगा है उस फाउंडेशन को लगाने के बाद में, उस ब्यूटी ब्लेंड को वॉश करने के बाद में कितने स्मूथली एंड कितना शाइनी लग रहा है मेरा फेस एकदम से। तो आप कुछ इस तरीके से अप्लाई ज़रूर करिएगा अपने ब्यूटी ब्लेंडर को, वो अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले उसको वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो एंड ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी यूज़ किए हुए हैं इनका लिंक या कोड जो भी रहेगा मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो वहाँ से चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।